महामारी के बीच संक्रमण से बचाव के लिए प्रशासन लगातार विभिन्न स्थानों को सैनिटाइज कर रहा है, पर गाजीपुर की तस्वीरें कुछ अलग है। यहाँ के कुछ युवा जो कि लॉकडाउन के पहले तक मोहल्ले में क्रिकेट खेलते थे, अब उन्होंने अपनी टीम को सैनिटाइजेशन टीम में बदल दिया है और निकल पड़े हैं गली और मोहल्लों को सैनिटाइज करने। युवाओं ने कई अलग अलग टीम बनाई है जो शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जाकर गलियों और लोगों के घरों तक सैनिटाइज करेंगी। युवाओं की इस टीम ने इस कार्य के लिए बाकायदा जिला प्रशासन से अनुमति भी ले रखी है। पहले राशन का वितरण और लंच पैकेट का भी वितरण किया गया, क्योंकि अब ये महामारी के चलते सैनिटाइज करना ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, तो उसको ध्यान में रखते हुए हम लोग की पूरी टीम इस समय सैनिटाइज करने का काम कर रही है। घर घर जाके, गली गली, मोहल्ले मोहल्ले, हर ऑफिस को भी किया गया है, तहसील हुआ है और पार्क जितने हैं जहाँ मतलब आदमियों का आवागमन है, जहाँ ये लगता है कि गैदरिंग है, वहाँ पर चल के अपने किया जा रहा है। तो ये काम मुख्य रूप से सरकार का है, लेकिन आपदा के वक्त सरकार और जन सहयोग भी जरूरी है, तो आप लोगों ने सरकार से भी कोई मदद ली है या नहीं? नहीं, सरकार से कोई मदद नहीं ली है। सरकार का भी काम अच्छा चल रहा है, नगर पालिका भी यहाँ पे अच्छा काम कर रही है, क्योंकि अभाव है, उतने उनके पास कर्मचारी नहीं है कि हर जगह जाके अच्छे से सैनिटाइज किया जा सके। क्योंकि हम लोग का ये मानना है कि अगर चीज़ों को बेहतर करना है तो उसको आप खुद करना शुरू करिए, उससे होता है क्या कि आप बेहतर से बेहतर काम कर सकते हैं। और चूंकि सभी के सभी लोग खाली बैठे हुए हैं इस समय, और सरकार और प्रशासन के सहयोग के लिए हम लोग घर से निकल के ये काम किया जा रहा है। तो इसके लिए कोई प्रशासनिक अनुमति की जरूरत पड़ती है या कैसे आप लोग कर पा रहे हैं? नहीं, जरूरत पड़ती है। इसके लिए हम लोगों ने फॉर्म भी फिलअप किया है, पास के लिए आवेदन भी किया है, ई पास के लिए। ये जो कार्य कर रहे हैं कोरोना से लड़ने के लिए, इसके लिए ये साधुवाद के पात्र हैं और मैं इनके उज्ज्वल भविष्य की कामना करता हूँ। कोरोना से लड़ने के लिए सोशल डिस्टेंसिंग बहुत ज़रूरी है और सैनिटाइजेशन तो बहुत ही अच्छा कदम है। थोड़ा सा लोगों में जागरूकता भी फैलनी चाहिए कि जो है इस बीमारी से सिर्फ बचाव ही हो सकता है, इसका इलाज अभी परमानेंट कहीं नहीं है, यदि बिगड़ जाए तो। देखिए, जागरूकता की कमी है, डिग्रियाँ तो लोगों के पास है लेकिन जो है लोग शिक्षित नहीं हैं, लोगों को ज्ञान नहीं है कि ये बीमारी कितनी घातक है और इसका कितना अधिक दुष्प्रभाव हो सकता है। अगर वास्तव में कम्युनिटी इन्फेक्शन फैल जाए तो भारत में करोड़ों लोगों के मरने की आशंका है, क्योंकि हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ही लचर हैं। दुर्भाग्य से मुझे ये कहना पड़ रहा है, परंतु आज़ादी के 70 वर्ष बाद भी अभी हमारी स्वास्थ्य सेवाएँ बहुत ही लचर हैं। तो बचाव ही एकमात्र उपाय है, लोगों को जागरूक होना चाहिए। सरकार इतना प्रयत्न कर रही है फिर भी लोग नहीं चेत रहे हैं, ये दुर्भाग्य। लेटेस्ट न्यूज देखने के लिए प्राइम ब्रेकिंग न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही डेली अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस